उन पर भी करारा जवाब देते हुए दिखाई देंगे। तो अपने वही पुराने अंदाज में जवाब देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना अभिभाषण देंगे। तो देखिए कई प्रतिक्रियाएं सामने आई। राहुल गांधी ने जो हिंदुओं को हिंसक वाला बयान दिया उसको लेकर तमाम विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें और प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 4 बजे का समय जब धन्यवाद प्रस्ताव पर अभिभाषण देंगे और अपने उसी अंदाज में जिस तरीके से वो जवाब देते हैं नजर आएंगे, वहीं देखिए विपक्ष की तरफ से भी कई आरोप लगाए गए हैं, गंभीर आरोप लगाए गए हैं, उसको लेकर भी वो जवाब देते नजर आएंगे। ऐसे कई मुद्दे जो सदन में गूंजते हुए नजर आए हैं, चाहे बात तो नेता विपक्ष के तौर पर सदन में राहुल गांधी ने पहले भ्रम फैलाने की कोशिश की, फिर उस असत्य को पूरी तरीके से हट के साथ स्वीकार करने की वो हट लगाए जो है इस वक्त बैठे हुए हैं। पूरे देश भर में इस वक्त विरोध हो रहा है उनके खिलाफ, लेकिन राहुल हैं कि मानते ही नहीं। देखिए राहुल गांधी ने सदन में असत्य वाली दुकान क्या खोली, पूरे देश में उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गया। विरोध इतना कि उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग तक उठने लगी है। कुल मिलाकर राहुल बीजेपी के साथ साथ साधु संतों और हिंदूवादी संगठन के निशाने पर आ गए हैं। एक तरफ बयान का विरोध और प्रदर्शन हो रहा है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी अपने बयान पर कायम है। उन्होंने रट लगा रखी है कि जो कहा है वो सच्चाई है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने भाषण के अंशों को वापस बहाल करने के लिए लोकसभा स्पीकर को खत तक लिख डाला है। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है, मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था, मैंने कह दिया, वो सच्चाई है। और एक्सपंज करें जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। दरअसल राहुल के बयान के कुछ हिस्सों को हटाने के लिए अमित शाह से लेकर किरण रिजिजू ने शिकायत की थी। इसके बाद राहुल की असत्य वाली स्पीच पर कैची चल गई और बयान के कुछ हिस्सों को संसदीय कार्यवाही से हटा दिया गया। मुंबई के दादर इलाके में मुंबई बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और माफी मांगने की मांग हो रही है। राहुल ने भ्रम वाली दुकान खोली तो बीजेपी को घेरने के लिए थी, लेकिन उनकी दुकान पर ताला लगाने के लिए उनके अपने ही ताला लेकर खड़े हुए हैं। राहुल के बयान का कांग्रेस में ही विरोध शुरू हो गया है और विरोध किया है लक्ष्मण सिंह ने। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, संसद में हिंदुओं पर की गई टिप्पणी अशोभनीय है और अनावश्यक भी। केवल और केवल जनता और देश से जुड़े मुद्दे उठाना ही उचित होगा। लक्ष्मण सिंह की राहुल गांधी और कांग्रेस को दी गई इस नसीहत पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राहुल गांधी के इस्तीफे का राग छेड़ दिया। मैं मान के चलता हूं कि राहुल गांधी के द्वारा जो टिप्पणी की गई है और कांग्रेस के कई नेताओं ने राहुल गांधी के विचारों से असहमति व्यक्त की है, उसमें हमारे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस के नेता लक्ष्मण सिंह जी भी है। मैं मान के चलता हूं कि खड़गे जी को इसकी जानकारी लेकर के राहुल गांधी जी से इस्तीफा की बात करना थी। ना राहुल अपने बयान पर झुक रहे हैं, ना उनके खिलाफ प्रदर्शन रुक रहा है। अब राहुल गांधी की असत्यवाणी पर पीएम मोदी जवाब देने के लिए तैयार हैं। पीएम मोदी राहुल के हर उस झूठ का पर्दाफाश करेंगे जो सदन में परोसा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।